मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बायो प्लस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने एक्सियल मोल के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसके अनुसार नीट 22 के लिए तैयारी भी शुरू कर दी होगी। अब जो एपेंडिकुलर बोन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम कुछ जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको हैंड जिसको फोर लिंब कहते हैं उसके बारे में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमने बताने की कोशिश की है। समझिएगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लैविकल और यहां पर है स्कैपुला। अब ये क्लैविकल स्कैपुला क्या है, जैसे यहां जिसको कॉलर बोन कहते हैं ना, ये क्लैविकल है। यहां पर ये जस्ट नेक के साइड में जो बोन होता है दैट इज नोन एज क्लैविकल। ओके, और पीछे में आप देखिएगा जो डॉर्सल साइड पर बोन होते हैं ट्रायंगुलर बोन दैट इज नोन एज स्कैपुला। तो ये दो बोन क्लियर हो गया, क्लैविकल और स्कैपुला, ये दोनों को मिला करके हम लोग पेक्टोरल गार्डन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से पेक्टोरल गार्डन, और ये पेक्टोरल गार्डन इधर भी होता है और इधर भी होता है। ठीक है, ये जिसको कंधा वगैरह कहते हैं ना, ये सब पेक्टोरल गार्डन के द्वारा बने हैं। ओके, उसके बाद जो हैंड का या फोर लिंब का जो स्ट्रक्चर शुरू होता है जिसमें बोन्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला यहां पर लिखा हुआ देखिए ह्यूमरस। क्या है ह्यूमरस? वो यहां से लेकर के यहां तक, एल्बो तक, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, और ये जो ह्यूमरस होते हैं ये यहां पर जो स्कैपुला है, स्कैपुला का एक होता है यहां पर ग्लिनोइड कैविटी। ओके, क्या होगा ग्लिनोइड कैविटी, और इस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस फिक्स होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन में जस्ट लाइक दिस, ऐसे मूवमेंट होता है बॉल एंड सॉकेट, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी और इनसाइड व्हिच ये ह्यूमरस इज फिटेड। ओके, जिसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ओके, ये जो मूवमेंट होता है दिस इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसके बाद ये ह्यूमरस हुआ, ह्यूमरस के बाद आप देखिएगा टू बोन्स होते हैं, दो पतले पतले बोन है, ये रेडियस होंगे आगे की तरफ, ये जो देखते हैं फ्रंट साइड में यहाँ टच करेंगे तो बोन दिखता है दैट इज रेडियस, और ये पीछे साइड में जो बोन होता है दैट इज नोन एज अल्ना। समझ रहे, ये हो गया रेडियस, आगे ये हो गया अल्ना। वेरी गुड, उसके बाद यहाँ आते हैं ये रिस्ट है ना, जिसके कारण हम लोग का जो मूवमेंट होता है, ये देखिए ये क्या है, ये कार्पल्स। क्या कहेंगे इसको, कार्पल्स। इसमें एट बोन्स होते हैं एक साथ, कितने होते हैं एट, वो आगे हम लोग देखेंगे उसका ब्रेकिंग कैसे है। उसके बाद है मेटाकार्पल्स, ये वाला जिसको पाम कहते हैं, ये वाला होता है ना, टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 है टोटल, ये हो गया मेटाकार्पल्स। उसके बाद फैलेंजेज है, फैलेंजेज में ये जो पोर्स होते हैं ना 1 2 3, तो 1 2 3 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, और इधर क्या हो गया 1 और 2, टोटल हो गया 14। तो मेटाकार्पल्स में आपको हो जाएंगे, सॉरी मेटाकार्पल्स में है आपके 5 जो हम लोगों ने देखा ये काम वाला, और इधर जो है ना फैलेंजेस में आपके हो गए 14। ठीक है, इसका ब्रेकिंग हम आगे देखेंगे। ये टोटल जो बोन हो गए ये आपके फोर लिंब के बोन हो गए, किसके फोर लिंब के, समझ में आई बात। संक्षेप में समझिए कि ये ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस के बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। ओके, अब आइए यहां पर हम लोग हैंड लिंब या लेग्स की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ सबसे पहले क्या है, इसियम और कहा गया प्यूबिस, और किधर है इलियम, प्यूबिस और इसियम, ये तीन बोन है, ये तीनों बोन मिलकर के कॉक्सल बोन के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको कॉक्सल बोन, जिसमें इलियम, इसियम और प्यूबिस तीनों, जो आगे चलकर प्यूबिस सिम्फेसिस भी बनाते हैं ना। ओके, तो ये थ्री बोन आपस में फिट होते हैं जिसको कॉक्सल बोन कहते हैं, और इसी कॉक्सल बोन से यहाँ पर निकलता है एक एलिमेंट होता है दैट इज नोन एज एक्रोमियम। ये एक्रोमियम में फीमर फिक्स होता है, इसमें होता है एक्रोमियम में फीमर फिक्स होगा, और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन जिसको थाई बोन के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद एक पटेला होगा, पटेला जो होता है यहाँ पर जो नी के ऊपर जो बोन होता है दैट इज नोन एज पटेला। उसके बाद ये फ्रंट साइड में लेग का जो बोन होता है दैट इज नोन एज टीबिया, जो बैक साइड में बोन होगा दैट इज नोन एज फिबुला। ओके, उसके बाद जो जिसको एरी कहते हैं, एरी को वो सेवन होता है एक्चुअली,
उसको कहते हैं टार्सल्स। कितने बोन होते हैं? 7। जो मेटा टार्सल्स होते हैं ना, मेटा टार्सल्स, वो आपका जो पंजा पौ जो बनाता है पंजा, वो हो गया आपका मेटा टार्सल्स, इसमें होते हैं 5। और सिमिलरली ये आपके जो फैलेंजेस होते हैं यहाँ भी 14 होते हैं। जैसा ट्रैकिंग हमने देखा था ना, ये हैंड वाले में इधर फैलेंजेस होते हैं, कितना है 14, तो सिमिलर यहाँ पर भी 14 ही होते हैं। ओके, तो ये टोटल आपका ये ब्रेकिंग हो गया इसके हैंड लेंथ, जिसको कहते हैं लेंथ। अब ये टोटल यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन की अबाउट अपेंडिकुलर बोन्स, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए फटाफट। तो टोटल ह्यूमन बॉडी में 206 बोन हो गए, जिसमें एक्सियल आपको 80 जो लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नेक्स्ट वन में आएगा तो कमेंट भी आप डालिएगा, हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद अपेंडिकुलर बोन है, अपेंडिकुलर में 126 हुआ। 126 कैसे हुआ? तो हैंड है, ठीक है, और इधर हो गया लेग्स। इसका बोन का दिया हुआ डिस्क्रिप्शन या हैंड का दिया हुआ है, हैंड में ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ये टोटल 111 सिंगल बोन है। कार्पल्स हो गए 8, मेटा कार्पल्स हो गए 5, फैलेंजेस हो गया 14, टोटल काउंट करिएगा तो 30 होगा। टू हैंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई यहां पर लिखा हूं टू हैंड्स, तो 30 × 2 कितना हो 60, क्लियर। तो दोनों हैंड मिलाकर कितने हो गए बोन्स? टोटल 60। अब यहाँ पर जो लेग है, जिसको हाइंड लिम्स कहते हैं, उसमें आपको फीमर 1 सिंगल, टीबिया 1, फिबुला 1, पैटेला कितना हो गया 1, टार्सल्स कितने हो गए 7, मेटा टार्सल्स कितने हो गए 5, फैलेंजेस कितने हो गए 14, टोटल काउंट करिएगा 30 होगा। यहाँ भी टू लेग्स हैं हम लोगों के पास, तो टोटल हो गए कितने 60। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होते हैं 120, 120 हो गया 120। अब 6 बोन का हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पेक्टोरल गार्डियन है, पेक्टोरल गार्डियन में जो बोन होते हैं स्कैपुला और क्लेविकल दोनों एक साथ होते हैं, तो एक साइड साइड जो होगा स्कैपुला और क्लेविकल है, दोनों मिलकर के बना देता है पेक्टोरल गार्डियन। तो दो मतलब टू बोन्स एक साइड, टू बोन्स एक साइड, तो दोनों हो गए कितने टोटल 4, तो यहाँ टोटल 4 बोन्स होंगे। उसके बाद पेल्विक गार्डियन है, इसको इसके बोन को कॉक्सल बोन कहते हैं, तो वहां पर दो जो पेल्विक गार्डियन होगा उसमें टू बोन्स आपस में फ्यूज होकर के, ऐसे तो कॉक्सल बोन के एक साइड में 3 बोन्स फ्यूज होकर के एक बोन बनाएगा कॉक्सल बोन, दूसरे साइड में जो कॉक्सल बोन होते हैं वो 3 फ्यूज होकर बनाएगा, जिसको इलियम, इस्टियम और प्यूबिस कहेंगे। तो टोटल 2 बोन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 बोन्स और इधर 4, टोटल हो गया 6। अब यहाँ पर देख लीजिए 124 और 2 कितने हो गए 126, तो टोटल आपको अपेंडिकुलर बोन कितने हो गए 126, जिसका डिटेल में यहाँ पर ये ड्राइंग के द्वारा आपको वेरी क्लियर है। ओके, तो ये हम लोगों ने आज अपेंडिकुलर बोन के बारे में देखा। इसके साथ ही जो डिटेल स्टडी है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि ऑब्जेक्टिव वाला, जैसे नीट 22 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपेंडिकुलर बोन से रिलेटेड, या एक्सियल बोन से रिलेटेड, या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो बना करके स्पेशल हम उनको डालें, कि जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं नीट के लिए, नीट 22 के लिए, उसमें आप उसको डिस्कशन में देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके जो संभावित आंसर होंगे, होता ना कि जो मान लीजिए 10 क्वेश्चन हम डिस्कस किया, लेकिन 10 ही क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके अलावा क्वेश्चन होंगे, वो हम PDF वगैरह से शेयर करेंगे, जिसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। साथ ही साथ ये बायो प्लस के लिए एक स्पेशल ऐप्स भी है, जो आपको हम बताना भूल गए थे लास्ट वीडियो में, आपको बता दें कि बायो प्लस का एक ऐप्स भी है, जिस पर आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और वो मोबाइल नंबर हमारे पास मैसेज के फॉर्म में आएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स वगैरह हो, बायोलॉजी से रिलेटेड या अन्य सब्जेक्ट या नीट से रिलेटेड एक्चुअली डाउट वगैरह हो, तो उसको आप चैट के द्वारा आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, उसका जवाब भी देंगे। साथ ही साथ इसमें ये जो वीडियो वगैरह है वो बायो प्लस ऐप पर भी उपलब्ध होगा, कुछ PDF वगैरह जो भी जो तैयारी जो रिलेटेड है आपका नीट 22 के जो रिगार्डिंग में जो तैयारी से रिलेटेड जो वीडियोज़ वगैरह होंगे, वो आपको बायो प्लस ऐप पर भी उपलब्ध होंगे, PDF भी उपलब्ध होंगे। साथ साथ आप वहां पर जा करके ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आप बायो प्लस ऐप पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला वीडियो उनको
विदाउट एनी लेट नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहेगा। आप उस वीडियो को एंजॉय करें। आई होप यू हैव एंजॉयड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।